मैं हूं निम्रा कवल। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइंस। टोरंटो रोडवेज पर बर्फबारी के बाद मुतादिद तसादुम रिपोर्ट। पुलिस का कहना है कि कोई संगीन चोट या सड़क बंद होने की इतला नहीं है। शहरी हुकूमत का कहना है कि इनका अमला सड़कों की सफाई में मसरूफ है। लिबरल पार्टी में मुख्तलिफ ख्यालात ताकत का एक जरिया हैं। कैनेडियन वजीर आजम का कहना है कि हमारी पार्टी के अंदर जिस किस्म की बातचीत होती है वो हमेशा आसान नहीं होती। रफा के मामले पर आलमी रहनुमा फाल तौर पर इस बात पर तबादला ख्याल कर रहे हैं। फजूल गैर मुल्की इमदाद में कमी करेंगे। कंजर्वेटिव रहनुमा पियर पॉलिवर का कहना है कि नेटो के अखराजात के हदफ के लिए काम करेंगे, नहीं चाहता कि कनाडा अपनी हिफाजत के लिए अमरीका पर इनहसार करें। अमरीका का हौसियों को भेजे गए ईरानी असलहे की बड़ी खेप पकड़ने का दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि जदीद रिवायती हथियार और महलिक जंगी इमदाद जब्त कर ली है। ईरान का कहना है कि हमारे बहरी जहाज़ों को रोका गया तो सख्त रद्द अमल दिया जाएगा। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. Welcome back. टोरंटो में شدید برفباری کے سبب تصادم کے متعدد واقعات رپورٹ ہوئے ہیں. مزید جانیں گے اس رپورٹ میں. जुमेरात की सपहर ग्रेटर टोरंटो एरिया में मौसम सरमा का निज़ाम मुंतकिल हुआ, जिससे अहम बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से ड्राइविंग के ख़राब हालात और मुतादिद तसादुम हुए। ये निज़ाम दोपहर के वक्त पहुंचा, जिसने सड़कों और फुटपाथों को बर्फ़ से ढांप दिया। मौसम सरमा के मौसम की ट्रैवल एडवाइजरी दिन के बेशतर हिस्से के लिए नाफिज रही और शहर में 5 से 10 सेंटीमीटर बर्फ़ पड़ने की पेशगोई की गई। वफाकी मौसमियाती एजेंसी ने अपनी एडवाइजरी में कहा कि तेज़ शुमाल मगरबी हवाएँ 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। इन तेज़ हवाओं और इससे पहले की ताज़ा बर्फबारी का इम्तिज़ाज देही इलाकों में बर्फ़ उड़ाने में मकामी सतह पर कम हद निगाह का बाइस बन सकता है। मौसम में अचानक तब्दीलियों की वजह से सफ़र ख़तरनाक हो सकता है। शदीद बर्फबारी में बाज़ औक़ात हद निगाह अचानक कम हो सकती है। ऑन्टेरियो सूबाई पुलिस के सार्जेंट कैरी शमिट ने कहा, अफसरान ने तकरीबन 60 हादसात रिपोर्ट किए, लेकिन किसी भी वाक़े में कोई शदीद जख्मी नहीं हुआ। इस मौसम का सफ़र पर खासा असर पड़ा है और इसलिए ये अफसरान के लिए एक मसरूफ दिन और बहुत से ड्राइवरों के लिए मायूस कुन दिन रहा है। TTC ने कहा कि उसने अगले नोटिस तक 56 बस स्टॉप्स को सर्विस बंद कर दी है, जहां बर्फबारी और जमी हुई बारिश सर्विस को मुतासर कर रही है। शहर ने कहा कि अमला दोपहर 1 बजे से सड़कों और फुटपाथों पर निकला हुआ था। ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के ऑपरेशंस और मेंटेनेंस के डायरेक्टर ने कहा कि रिहायशियों को बर्फ़ साफ़ करने की कार्रवाइयों की तवक्को करनी चाहिए। तवक्को है कि टोरंटो में जुमे को ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहने और हल्की बर्फबारी का इम्कान है। इसके बाद हफ्ते को 2 सेंटीग्रेड और इतवार को 0 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। इसराइल और हमास जंग पर हुकूमत की पॉलिसी पर कॉकस में इख्तलाफ के बारे में गुफ्तगू करते हुए कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने इसरार किया कि लिबरल पार्टी में मुख्तलिफ ख्यालात ताकत का एक जरिया है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। इसराइल और हमास जंग पर हुकूमत की पॉलिसी पर कॉकस में इख्तलाफ के बारे में गुफ्तगू करते हुए कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने इसरार किया कि लिबरल पार्टी में मुख्तलिफ ख्यालात ताकत का एक जरिया है। ट्रूडो ने विनीपैग में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे पास मुस्लिम मेंबरान पार्लियामेंट की एक बड़ी तादाद है, हमारे पास बड़ी तादाद में यहूदी मेंबरान पार्लियामेंट है। हमारी पार्टी के अंदर जिस किस्म की बातचीत होती है वो हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन वो मुल्क भर में होने वाली गुफ्तगू की तनु की अक्कासी करती है। वजीर खारजा मेलानिया जूली के पार्लिमानी सेक्रेटरी रॉब पॉली फिंच की एक लीक होने वाली फ़ोन कॉल में
ऑलिफेंट ने सामने वाले शख्स को बताया कि इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू इसराइल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने बैन अलावामी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ नस्ल कुशी के इल्ज़ाम के बारे में हुकूमत के मवासलात और अकवामी मुत्तहिदा की एक एजेंसी के लिए फंडिंग रोकने के फैसले पर भी तनकीद की। पार्लियामेंट हिल पर NDP की खारजा उमूर की नकाद हैदर मैक फैरसन ने कहा कि ऑलिफेंट को इतनी बहादुरी होनी चाहिए कि वह ऐसी बातें अवामी तौर पर कहे। ये पूछे जाने पर कि क्या ऑलिफेंट को इस्तीफ़ा देना चाहिए, मैक फैरसन ने कहा कि टोरंटो के रुकने पार्लियामेंट सिर्फ एक ही शख्स है जो निजी तौर पर भी सही बातें कह रहा है। उन्होंने कहा, मुझे समझ नहीं आती कि यह हुकूमत अपने कॉकस में ऐसे लोगों को कैसे रख सकती है जो हमसे बैन अलावामी कानून की पाबंदी करने, इंसानी हकूक के असूलों पर अमल करने का मुतालबा कर रहे हैं और हुकूमत नहीं सुन रही है। वजीर आजम का कहना था कि आलमी रहनुमा फाल तौर पर इस बात पर तबादला ख्याल कर रहे हैं कि अगर इसराइल जनूबी गजा शहर में जहाँ ज्यादातर आबादी ने पनाह ले रखी है कोई बड़ा हमला करता है तो उसका बेहतरीन जवाब कैसे दिया जाए। कनाडा की अपोजिशन जमात कंजर्वेटिव पार्टी के रहनुमा पियर पॉलिवर वादा कर रहे हैं कि उनके मुस्तकबिल की हुकूमत फजूल गैर मुल्की इमदाद में कटौती करेगी। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा की अपोजिशन जमात कंजर्वेटिव पार्टी के रहनुमा पियर पॉलिवर वादा कर रहे हैं कि उनकी मुस्तकबिल की हुकूमत फजूल गैर मुल्की इमदाद में कटौती करेगी और फंड्स को आमिरों, दहशतगर्दों और कसीरों कौमी ब्यूरोक्रेसियों तक जाने की इजाज़त नहीं देगी। उन्होंने ये बयान नेटो के फौजी अखराजात के अहदाफ के बारे में अपने मौकफ के बारे में एक सवाल के जवाब में दिया। जब ब्रसल्स में फौजी इतिहाद के वज़रा की मुलाकात हुई, पॉलिवर इस हफ्ते दिफाई अखराजात के बारे में अपने ख्यालात के बारे में इब्तदाई बसीरतें पेश कर रहे हैं क्योंकि वो अपनी पैगाम रसाई को लागत से मुतालिक मसाइल पर तवज्जो मरकूज कर रहा है और जैसा कि अवामी राय आमा के जायजों में वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो के लिबरल्स टूरीज से पीछे हैं। क़दामत पसंद रहनुमा के दफ्तर का कहना है कि मुस्तकबिल की पॉलिवर हुकूमत कनाडा के नेटो के अखराजात के अजम को पूरा करने के लिए काम करेगी। इसके GDP का 2% क्योंकि ओटावा हदफ से काफ़ी कम है। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दोबारा इंतखाब के लिए एक हालिया रैली में कहा कि वो रूस की हौसला अफजाई करेंगे कि वो नेटो के किसी भी रुकन के साथ जो चाहे वो करें, जो इसके अखराजात के वादे से पीछे हटता है। पॉलिवर का कहना था कि कौमी दिफा के लिए उसका मंसूबा कनाडा की हिफाजत के लिए जो बाइडन या डोनाल्ड ट्रंप पर इन्हिसार करना है। ये अमरीका को कनाडा के मुस्तकबिल का जिम्मेदार बनाता है। मैं ये नहीं चाहता, उन्होंने कहा, कि वो गैर मुल्की इमदाद से हासिल होने वाली रकम को कनाडा की फौज को वापस कर देंगे। बैन अलावामी तरक्की के वजीर अहमद हुसैन ने कहा कि पॉलिवर की तजवीज़ आलमी सतह पर कनाडा के असर व रसूख को कम करने का बाइस बनेगी। उन्होंने कहा, यह मेरे लिए और हमारी हुकूमत के लिए चौंकाने वाला है। इसका मतलब ये होगा कि ये दुनिया के सबसे ज्यादा कमजोर लोगों की हिमायत के खिलाफ कटौती है। ईरान ने कहा है कि बहीरा अहमर में अगर हमारे बहरी जहाजों को रोका गया तो सख्त रद्द अमल दिया जाएगा, जबकि अमेरिका ने ईरान की जानिब से होसियों के लिए भेजे गए असलहे की बड़ी खेप पकड़ने का दावा किया है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। ईरान ने कहा है कि बहीरा अहमर में अगर हमारे बहरी जहाजों को रोका गया तो सख्त रद्द अमल दिया जाएगा, जबकि अमेरिका ने ईरान की जानिब से हौसियों के लिए भेजे गए असलहे की बड़ी खेप पकड़ने का दावा किया है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक बयान में कहा कि अमेरिकी अफवाज ने ईरान से जदीद रिवायती हथियार और मोहलिक जंगी इमदाद जब्त कर ली, जो 28 जनवरी को बहीरा अरब में एक बहरी जहाज पर यमन के हौसियों के जेर कब्जा इलाकों के लिए भेजी गई थी। असलहे की खेप में दरमियानी फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल के अज्जा, धमाका खेज मवाद, बगैर पायलट के जेर ज़मीन सतही गाड़ी के अज्जा, फौजी सतह का मवासलाती और नेटवर्क का सामान, टैंक शिकन गाइडेड मिसाइल लॉन्चर असेंबलियां और दीगर फौजी अज्जा पर मुश्तमिल 200 से ज्यादा पैकेजेस जहाज से बरामद हुए हैं। अमेरिकी सेंट कॉम के कमांडर माइकल एरिक कोरेला ने कहा है कि हौसियों को ईरान की तरफ से जदीद रिवायती हथियारों की मुसलसल फरहमी, बैन अलावामी जहाज रानी की हिफाजत और तजारत की आजादाना रवानी को नुकसान पहुंचा रही है। दूसरी जानब ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के कानूनी मुशीर मोहम्मद दहकान ने अमरीकी महकमा कानून के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा कि अगर ईरान के बहरी जहाज रोके गए तो सख्त जवाब दिया जाएगा। मोहम्मद दहकान ने मजीद कहा है कि ईरानी जहाज को अगर तहवील में लिया गया तो हम अपना रद्द अमल जाहिर करेंगे और इस हवाले से कानूनी रास्ता बंद नहीं है। फिलहाल ये तस्दीक नहीं कर सकते कि अमरीकी हुकाम ने ईरानी बहरी जहाज को कब्जे में लिया है या नहीं। याद रहे कि रवामा अमरीकी वजारत कानून की जानिब से जारी किए गए बयान में पासदारा ने इनकलाब के मौशी नेटवर्क को तोड़ने के लिए 5 लाख बैरल से जायद तेल को कब्जे में लेने का दावा किया गया था। गुज़िश्ता बरस से बहीरा अहमर में आलमी नकलो हरकत तातुल का शिकार है क्योंकि यमन में ईरान के हिमायत याफ्ता हौसी जंगजू इसराइल के साथ जारी तनाजे में फलस्तीनी गिरोह हमास की हिमायत में बहरी जहाजों को निशाना बना रहे हैं। टैग TV के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। अपनी मेजबान निमरा कवल को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।
back to you.